बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। मंगलवार से शुरू होने वाली नामांकन के लिए सभी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें हैं किनके पास और किन्हें होना पड़ेगा निराश। तो मेरा नाम है मुस्कान चौरसिया और आप देख रहे हैं द इंडिया इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के साथ ही विधायकों के रूठने और मनाने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस कड़ी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से बड़ी खबर आ रही है, जहां कई विधायक पाला बदल सकते हैं। शनिवार को राजद की अगुवाई में महागठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बिहार के अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया गया। इस दौरान 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले राजद के कई विधायक अपना टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी ने अपने कई विधायकों का पत्ता काट दिया है। साथ ही कुछ सीटें राजद और वाम दलों के हिस्से में जाने के कारण भी वहां के विधायक इस बार रेस से ही बाहर हो गए हैं। महागठबंधन के घटक दलों में राजद 144 सीट, कांग्रेस 70 सीट, सीपीआई 6 सीट, सीपीएम 4 सीट, 19 सीटों पर सीपीआई माले चुनाव लड़ेगी। अब अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ एलजेपी और जेडीयू के बीच तकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और हम के बीच उभर रहा प्यार है। फिलहाल एनडीए सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग अब एनडीए के चिराग नहीं रहे, उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से कहा गया कि लोकसभा में हमारी बीजेपी के साथ एक मजबूत गठबंधन है। लोजपा का मानना है कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। लोजपा का हर विधायक बीजेपी के नेतृत्व में बिहार को फर्स्ट बनाने का काम करेगी। वही एलजेपी ने यह तय किया है कि वह उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है जिन जिन सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारेगी। एलजेपी के फैसले के बाद फॉर्मूला तय किया गया, जिनके तहत अब सूबे में 121 पर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 122 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। नई सहमति के तहत जेडीयू जीतन राम मांझी की पार्टी हमको अपने कोटे से 5 टिकट देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।